था मार्केटिंग रिसर्च के बारे में कि मार्केटिंग रिसर्च क्यों जरूरी है, क्योंकि एक मैंने ये यही चीज की बात की कि कोरोना काल की वजह से लोगों के पास कस्टमर नहीं है चीजों का बेचने के लिए या फिर किसी चीज को दिखाने के लिए, लोगों के पास कस्टमर नहीं थे, इसलिए मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसमें आप मार्केटिंग रिसर्च के अंदर का आप गूगल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई चीज नहीं है तो रिसर्च कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आप मार्केटिंग के रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके साथ साथ आप जो है सर्वे जानेंगे, मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद उसके रिस्पॉन्स किस तरह से आता है, उस तरह से सर्वे किस तरह से होता है वो आप सर्वे कर सकते हैं, इसका एनालाइज कर सकते हैं उस सर्वे रिजल्ट का। इसके बाद आप लोगों के जो जो सर्वे हैं, ये जो फीडबैक हैं, उन फीडबैक से अपना के एक वैल्यू बना सकते हैं कि ये हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ज्यादा कस्टमर बाय करते हैं, या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जो, जो प्रोडक्ट्स कस्टमर ज्यादा चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको एक फीडबैक मिल जाएगा और इस फीडबैक के थ्रू आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं अपने उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो खैर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के वो तमाम कोर्सेज के बारे में। अगर आप किसी एक कोर्स का बाय करना चाहते हैं तो आप कोई एक कोर्स भी बाय कर सकते हैं, मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं यहाँ पे। आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप वो कोर्स बाय करना चाहें, बिल्कुल इजी स्टेप है बाय करने का। डिजिटल मार्केटिंग है, इसके बारे में थोड़ा इस कोर्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग के 5 मिनट का इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, किस तरीके से काम करता है, क्यों सीखें, इन इंपॉर्टेंस के बारे में आप इस कोर्स के अंदर जानेंगे। 5 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का जिसके बारे में आप अपने बिजनेस को या फिर आप अपने मार्केट को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर गेन कर सकते हैं, ऐसे 5 टूल्स आपको मिलेंगे। इसके बाद की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बात किया रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, आपको मैंने बता दिया कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा।